नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव अब आने ही वाले हैं और सभी को ये थोड़ी जिज्ञासा भी है कि कौन कौन मैदान में है और कौन जीतेगा, तो इसी पर आज हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर। जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजीव रंजन, IAS ऑफिसर हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा के। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ एक अलग तरह की ऐप शुरू की गई है और इसको लेकर जो जनता है उनमें थोड़ी जिज्ञासा भी है, जिस पर विस्तार से आज राजीव रंजन जी हमें बताएंगे। तो सर, आपका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि चुनावों को लेकर एक ऐप शुरू की गई है cVIGIL, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये ऐप है क्या। cVIGIL आपके मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन है जो आपके हाथों में इतनी पावर देता है कि कहीं भी अगर आपको कोई भी चीज नजर आ रही है जो गलत हो रहा है, आप तुरंत फोटो या वीडियो खींच करके अपलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई हो जाती है जी। तो दूसरे आसान शब्दों में हम समझे तो इलेक्शन ऑब्जर्वर के पास जो ना जितनी जो ना पावर है, वो सेम की सेम पावर जो ना हर एक जनता के पास जिसके पास भी मोबाइल स्मार्टफोन है, इलेक्शन कमीशन ने उनको भी दिया है कि कोई भी चीज़ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे मेनली दो तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जा सकती है। अगर चुनाव में कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी अगर खर्चा कर रही है तो उसकी जो ना आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता जो है उसके कोई अवहेलना हो रही है उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं जी। तो सर, क्या जो ये ऐप है cVIGIL जिसका नाम है, तो क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है कि बशर्ते कि जो ना आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। cVIGIL जो है नहीं चलेगा अगर आपके पास फीचर फोन्स है या आपके पास जो ना डेस्कटॉप है उसके ऊपर चलाना चाहे तो नहीं चलेगा। स्मार्टफोन पर चलेगा, उसमें जो ना आपकी GPS की सुविधा होना चाहिए, फोटो और वीडियो खींचने की सुविधा होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए जी। तो ये काम किस तरह से करता है अगर ये ऐप डाउनलोड की जाए तो उसके बाद? ऐप का काम करना बहुत ही आसान है। आपको सिटीजन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि एंड्रॉयड और iOS यानी कि आईफोन दोनों सिस्टम में आप डाउनलोड कर सकते हैं जी। डाउनलोड करने के बाद कहीं भी अगर आप जा रहे हैं या कहीं पर भी आप खड़े हैं, अगर आपको नज़र आ गया कि फॉर एग्जांपल कि कोई पोस्टर जो है ना वो लगे हुए हैं बिना परमिशन के लगे हुए हैं, कहीं दारू बांटी जा रही है, कैश का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी की चीज़, आप फोटो खींचे या वीडियो बनाए एप्लीकेशन के ऊपर उसको जो ना अपलोड करें और उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है जिस तरह अभी ये एक ऐप जो शुरू की गई है चुनावों को लेकर, तो उसको शुरू करने की ज़रूरत क्यों हुई? देखिए, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि इतनी ज़्यादा कंप्लेंस आती थी उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी जी। प्लस जो है झूठी शिकायतें जो ना बहुत ज़्यादा होती थी, जानबूझ के की जाती थी ताकि पूरी को पूरी ट्रिप जो ना झूठी शिकायतों में जो ना बिजी रहे, और दूसरी तरफ से जो ना जो ये शरारती किस्म के लोग होते थे कुछ और गड़बड़ कर जाते थे जी। प्लस जब कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, पुराने ज़माने में आप देखें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें रह नहीं पाती थी। आज चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कमीशन ने ये सोचा है कि एक ऐसी सुविधा जो ना लोगों को दिया जाए, क्योंकि हमारी फोर्स और हमारी आंखें जो ना लिमिटेड है, परंतु हमारे साथ अगर जो है 1,78,00,000 वोटर में से जो है सिर्फ जो है 10-15 हज़ार लोग भी जो ना जुड़ जाएं और शिकायत करना शुरू कर दें तो इसके चलते कोई शरारत नहीं कर पाएगा, उनकी एविडेंस होगी, टाइमली एक्शन होगा, क्योंकि पहले एक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, अब हम 100 मिनट में ही कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जो ना कर लेंगे, जाँच कर लेंगे। तो इस तरह से पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन है। और किस किस तरह की समस्याएं रहती हैं जिनके लिए ये काम करता है अगर हम cVIGIL की बात करें तो? सभी टाइप के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन यानी आदर्श आचार संहिता जो है जिसका पालन नहीं किया जा रहा है, आपको कहीं भी नजर आता है, कोई भी आदमी अपने स्मार्टफोन से कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी अगर आपको नजर आता है कि जो ना पार्टियां जो ना खर्चा कर रही है परंतु खर्चा जो ना बुक नहीं हो रहा है या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप डाउट में हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि खर्चा पर है। इसके अलावा इतना ही नहीं, अगर कोई पेड न्यूज है, पेड न्यूज का मतलब जो है कोई न्यूज आर्टिकल आपको ने जो आपको शक लगता है कि शायद किसी कैंडिडेट ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको जो है पैसे दे करके छपवाई है या कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, तो उसकी भी जो है ना इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना आप भेज सकते हैं। तो राजीव जी, जिस तरह की ये बेशक एक ऐप है, कोई इसे डाउनलोड भी कर लेता है और किसी को अगर इस तरह का कुछ दिखे कुछ भी और वो उसे इस पर डाल दे किसी भी तरह की चीज़ को, तो कितना समय लगता है उसको उस पर कार्यवाही करने के लिए? देखिए, आपको
5 मिनट मिलते हैं उस जो फोटो खींचा जो है उसको अपलोड करने के लिए, वो लाइव आपको अपलोड करना पड़ेगा, पुरानी फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। और अगर आप जो इसको अपलोड करेंगे तो उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ चला जाता है। कंट्रोल सेंटर में हमारे जितने फील्ड के इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं उन सब की कारों की लाइव लोकेशन जो है ना मैप के ऊपर आती रहती है। वो देखता है कि सबसे नज़दीक इसके जो ना कौन सी जगह है, जीपीएस के हिसाब से उसको आदेश देता है कि तुम इसको जो ना जाकर के चेक करो जी। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर को मिलता है, उनकी शिफ्टों में ड्यूटी होती है, रात दिन की ड्यूटी होती है, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, वो उसके पास जाकर के 20 मिनट के अंदर अंदर बता देगा कि भाई इस शिकायत में सच पाया गया या झूठ पाया गया जी। उसके बाद जो है टाइम जो है वो पूरी की पूरी उनकी रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं और उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ये एआरओ यानी कि जो डिसीजन लेने वाले अथॉरिटी होते हैं उनके पास चला जाता है एंड 100 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो डिसाइड कर देते हैं जी। तो जैसे राजीव जी यहाँ पर आपने बात की, एक वीडियो अपलोड करने की आपने बात की, तो सभी जो वीडियो का है वो अपना साइज अलग अलग रहता है, तो कितनी बड़ी वीडियो इसमें अपलोड की जा सकती है? नहीं, इसमें जो है आप एक ही फोटो अपलोड कर सकते हैं या एक ही वीडियो जो ना एक बार में अपलोड करेंगे। एक बार अपलोड करने के बाद जो ना 5 मिनट के अंदर जो ना हम दूसरा अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम जो ना उसको जो ना अपलोड करने में भी टाइम लगाता है और हम ये नहीं चाहते कि एक ही चीज़ की जो ना 10 शिकायत जो ना आ जाए, तो मल्टीपल शिकायत ना करने के लिए 5 मिनट का आपको गैप देना पड़ेगा जी। 2 मिनट इसलिए रखा है क्योंकि अदरवाइज जो ना डाटा आपको अपलोड करने में मोबाइल का काफ़ी डाटा खर्च हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा, आपकी बैटरी भी बर्बाद होगी, इसलिए 2 मिनट की वीडियो। तो हम सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो रेलेवेंट पार्ट है, अगर किसी को धमकाया जा रहा उस पोर्शन को आप बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बड़ा वीडियो कैप्चर ही नहीं करेगा। अगर कहीं पर पोस्टर लगे हुए हैं तो उसका वीडियो बनाएं या फोटो बनाएं, अगर कहीं पर शराब बांटी जा रही है, कैश बांटे जा रहे हैं उसका बनाए, कहीं पर रात को लाउड स्पीकर जो है वो बजाया जा रहा है या कोई चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसका बनाए, पोलिंग स्टेशन के नीचे अगर जो है कोई जाकर के वहीं कंपेन कर रहा है तो उसका जो ना वीडियो बनाए या फोटो खींचे, परंतु जो ना वीडियो को छोटा रखे, 2 मिनट से ज्यादा वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएंगे जी। राजीव जी जैसे आपने यहाँ बात की, 5 मिनट की आपने बात की, अगर कोई फोटो 5 मिनट से ज्यादा पुरानी है तो उसके लिए क्या करें, क्या उसे अपलोड कर सकते हैं और अगर करना हो तो किस तरह से करेंगे? ये एप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं करेगा कि कोई पुरानी फोटो जो ना अपलोड कर दें, क्योंकि देखिए दिक्कत बहुत हो जाती है। मान लें कि किसी ने शिकायत की कि फलाना ऑफिसर जो है ना किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या किसी मंत्री से जो ना मिलने चला गया, आपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया अपलोड, अगर आप पुराना फोटो अपलोड करेंगे तो उसमें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था ही नहीं जी। तो गलत शिकायत चली जाएगी। तो हमने जानबूझ करके ये प्रोविजन का सिर्फ लाइव वीडियो और लाइव फोटो, आपके मोबाइल के गैलरी में कई फोटो खींचे होंगे और कई वीडियो भी पड़े होंगे, वो अपलोड नहीं होंगे, परंतु फिर भी अगर आप समझते हैं कि इनके ऊपर जो ना मुझे जो ना शिकायत करनी है, तो उसके लिए हमारा नेशनल ग्रीवांसेस सर्विसेज के अंतर्गत जो ना सिटीजन का पोर्टल है, वो वेबसाइट पर जाकर के पुरानी कोई वीडियो है या पुरानी कोई फोटो है तो उसको अपलोड करें, उसकी जांच जो ना अलग से की जाती है दूसरे टीम के द्वारा, पर इसमें आप नहीं कर पाएंगे। जैसे सर आपने अभी बात की कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शरारती तत्व बेशक हम कहें कि कहीं ना कहीं रहते ही हैं, जैसे आपने बात की कि हाँ पुरानी फोटो नहीं अपलोड कोई कर सकता, अगर कोई इस तरह की चीज़ देखने में आती है, कुछ एडिट किया हुआ आता है, तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है? अगर कोई भी एडिट किया फोटो होगा ना, देखिए अपलोड करने से कार्रवाई नहीं होती है, सबसे पहले जो ना हमारे लोग जाते हैं स्पॉट पर पहुंचते हैं, जैसे ही आप कोई भी फोटो या वीडियो अपलोड करेंगे उसके साथ उसकी जीपीएस लोकेशन जो है ना वो कैप्चर हो जाएगा और उसके साथ जो ना उसका जो ना टाइम भी कि कितने बज के कितने मिनट पर कौन से अक्षांश और देशांतर के ऊपर जो ना ये घटना जो ना आपने कैप्चर किया है फोटो या वीडियो वो जो ना उसके पास आ गया जी। हमारा व्यक्ति उसी जीपीएस कोऑर्डिनेट पर पहुंचेगा तो 20-25 मिनट पहले यहाँ पर क्या हुआ था वो एविडेंस जो ना देखता जी। सपोज डेट एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लें कि किसी ने 2 मिनट का वीडियो अपलोड किया कि यहाँ पर जो ना दारू पिलाई जा रही है किसी के द्वारा, वहां जाकर के वो देखेगा कि उसके आने से बकायदा लोग भाग गए तो उसका जो ना वो फोटो खींचेगा, वहां पर देखेगा बकायदा दारू गिरी हुई है कि नहीं, आसपास से इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद वो उसकी 10 फोटो जो ना खींचता है और उसका एविडेंस बनाता है कि बकायदा सही पाएगा या झूठा पाएगा जी। तो अगर कोई वीडियो जो ना एडिटिंग करके या कुछ और करके डालेगा ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में वीडियो आपके मोबाइल पर स्टोर ही नहीं होता ठीक है, तो आप उसको एडिट कर ही नहीं पाएंगे, एडिट करने का आपके पास राइट नहीं होगा। यहाँ पर तो लाइव वीडियो या लाइव फोटो जो आप खींचेंगे वही जाकर के अपलोड होगा,
हाँ दूसरे वाले जो हमारे सिस्टम है उसमें इस तरह की चीज़ हो सकती है, परंतु उसमें 100 मिनट में नहीं, उसमें जो ना ज़्यादा समय होते हैं, हम लगभग 48 घंटे में उसके ऊपर जो ना कार्रवाई करते हैं जी तो उसमें जा करके हम चेक कर लेते हैं जी। तो राजीव जी, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो सभी के पास वैसे तो एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, तो और किस किस तरह का मोबाइल फ़ोन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपलोड करने के लिए? देखिए मैंने पहले बताया ना कि ये एप्लीकेशन सिर्फ स्मार्टफोन पर ही चलेगी, तो अगर स्मार्टफोन नहीं है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए नहीं, आप दूसरे माध्यम से जो ना अपनी शिकायत करें, जी वो सारे माध्यम में मैं जो ना अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जी परंतु आपके स्मार्टफोन में एक तो कि डाटा की कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो कि 4G कनेक्टिविटी जो ना होना चाहिए, या कम से कम जो ना 3G जरूर हो। जी आपके मोबाइल में GPS होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन तो तभी कैप्चर हो पाएगी जब आपके मोबाइल में GPS होगा, और प्लस जो है आपको उसके सारे राइट्स जो ना देने पड़ेंगे, उसके जो ना फोटो का राइट्स, एक्सेस जो ना उसकी परमिशन जो एप्लीकेशन से वो देनी पड़ेगी। जी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है फिर भी वो शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत करने के और भी कई तरीके हैं, cVIGIL एक तरीका नहीं है। आप 1950 पर सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हर एक दिन छुट्टी के दिन भी जो ना हमारे व्यक्ति बैठे रहते हैं वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे मोबाइल पर एक और एप्लीकेशन है वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन के अंदर जा कर के भी जो ना आपसे जो ना शिकायत कर सकते हैं, तो वो शिकायत भी जो ना हमारे पास पहुंच जाती है। जी इसके अलावा जो है अगर आप नेशनल ग्रीवांसेस सर्विसेज के पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर जा कर के भी आप शिकायत कर पाएंगे। तो इसके अलावा 3 और तरीके हैं जिससे कि जो ना शिकायत कोई भी कर सकता है, तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो cVIGIL का उपयोग जो ना करें और दूसरे तरीके से करें। जी तो जैसे यहाँ पर अभी सर आपने बात कही कि आपको परमिशन देनी पड़ती है अपने फ़ोन को एक्सेस करने के लिए अगर आपको कुछ भी अपलोड करना हो, तो क्या इसके लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम भी बताना पड़ेगा? देखिए दोनों ऑप्शन होते हैं कि अगर मान लें कि आप किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति या किसी बहुत बड़े दबंग आदमी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, आपको डर लगता है, आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि अपना नाम, मोबाइल नंबर कुछ नहीं बताएं, बस एनोनिमस शिकायत कर लें, कार्रवाई जो ना उस पर भी होगी। परंतु अगर आप अपना नाम बताते हैं, अपना मोबाइल नंबर प्रोफाइल के साथ रजिस्टर करते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा कि उस शिकायत के ऊपर क्या एक्शन हुआ उसकी जानकारी आपको मिलेगी कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम गई, उसने सच पाया झूठ पाया, उसके बाद ERO के पास गया, ERO ने क्या एक्शन लिया, ये सारे का सारा दिखेगा। प्लस जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज आएगा कि जैसे ही जो ना अगर आपने कोई सही शिकायत की तो आपको उसकी तरफ से मैसेज आएगा, आपकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, आपकी बहुत ज़्यादा अगर आपने शिकायत की और जो ना बहुत ज़्यादा उसमें से सही पाई गई तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भी आएंगे। जी तो इसमें जो जानकारी है वो शिकायतकर्ता की यानी कि सेफ रखी जाती है या फिर वो इधर उधर भी जा सकती है? नहीं, जिसने हमें जो ना जानकारी नहीं दी कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसके तो जानकारी हमारे पास होती ही नहीं है, तो बिल्कुल सेफ है। अगर आप चाहते हैं कि बिना नाम बताए गुमनाम जो ना शिकायत करना चाहते हैं तो जरूर जो है ना आप जो ना इस पर कीजिए, इससे बेहतर एप्लीकेशन नहीं है। रिटर्न में तो जो भी शिकायत होती है गुमनाम वाले की तो जांच ही नहीं होती कि पता नहीं कौन कर गया, रंजित से कर गया। परंतु चूंकि इसमें सिर्फ लाइव जो ना फोटो और लाइव वीडियो हो सकते हैं और उसमें भी जो ना एविडेंस बनता है, आप जो ना ये चीज समझिए कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। पुराने जमाने में जितने कोर्ट में केसेस जाते थे किसी भी शिकायत की, वो एविडेंस नहीं होने की वजह से जो है वो फेल हो जाते थे। परंतु इसमें क्या होगा कि जैसे ही शिकायत होगी उसकी GPS दर्ज हो गया, वो सारा कसर दर्ज गया, तुरंत डाटा यहाँ आ गया, फिर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ चला गया, उसकी भी पूरी के पूरी GPS लोकेशन जो मैप की जा रही है कि बकायदा वो बहुत जल्दी पहुंचता है, ये नहीं कि 2 दिन बाद पहुंचा तो कोई एविडेंस ही नहीं बचा, फिर वो तुरंत फोटो वीडियो अपलोड करता है। तो ये पूरा का पूरा शिकायत जो है वो कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पर काम करेगा और इसके चलते जो ना उस पर कार्रवाई जो होगी वो बहुत ही सॉलिड होगी। जी तो राजीव जी, जैसे यहाँ पर cVIGIL के बारे में बात हो रही है और चुनावों से संबंधित शिकायत की बात हो रही है, तो क्या अगर किसी ने चुनाव के अलावा कोई और शिकायत करनी हो तो क्या वो cVIGIL के माध्यम से कर सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर जो ना काफी प्रेशर चुनाव के समय में होता है, तो अगर आपने कोई शिकायत चुनाव से संबंधित नहीं किया, जैसे कि जो ना आपके पानी के नलके में पानी नहीं आ रहा, या आपने कोई बिजली की कोई शिकायत कर दी जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमारे कंट्रोल रूम में पहुंचेगा, वो शिकायत को ड्रॉप कर देगा, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ वही शिकायत करे जो चुनाव से संबंधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है, पेड न्यूज से संबंधित है, या आपके किसी भी एक्सपेंडिचर के बारे में है, सिर्फ वही शिकायत करें।
जी राजीव जी, जैसे आपने यहाँ पर अभी बार बार ये बात कही कि जीपीएस से जो है लोकेशन ट्रेस होती है, तो उसके अलावा भी क्या उस जगह के बारे में कोई एविडेंस देने की या कुछ दर्ज कराने की ज़रूरत रहती है? नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपने लाइव फोटो या वीडियो जो ना अपलोड कर दिया, उसका सारा की सारी काम जो ना हमारी मशीनरी करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अगर आपने अपना नाम पता वगैरह बताया है। पता बताने में मैं कहना चाहूँगा कि जीपीएस तो ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है कि जीपीएस की जो ना उतनी एक्यूरेसी नहीं होती, आपका जो स्मार्टफोन है वो प्रोबेबली इतना एक्यूरेट नहीं है, जिसके चलते जो ना प्रॉब्लम आती है। मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा जीपीएस के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जीपीएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो है ना पूरे वर्ल्ड में 31 सैटेलाइट्स जो है ना वो घूम रहे हैं जी। और एक समय में आपका फोन या आपकी लोकेशन उसको 6-7 सैटेलाइट जो है ना एक समय में उसको जो है ना देख रहे हैं। हर एक जगह से उनकी ट्रायंगुलेशन की टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि बकायदा धरती के ऊपर जो है ना आपकी लोकेशन है कहाँ, मतलब आपकी फोन की लोकेशन है क्या। जीपीएस कई चीजों से अफेक्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जो ना अगर बिल्डिंग के अंदर हैं तो यहाँ पर जीपीएस के सिग्नल इतने मजबूत नहीं होंगे, तो उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर कहीं पर जो ना कोई पेड़ है उससे भी जो ना प्रॉब्लम हो जाती है, कोई व्हीकल है उससे भी उसकी एक्यूरेसी जो ना अफेक्ट होती है। आपके फोन में जीपीएस का एंटीना कितना पावरफुल है, मतलब स्मार्टफोन कितना जो ना महंगा वाला है या कितना एक्यूरेसी वाला है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। वेदर कंडीशन भी इसमें फर्क करता है। परफेक्ट सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी जो ना हिमालय के किसी ऊंचे चोटी के ऊपर चला गया, ठीक है, लाइक कंचनजंगा या धौलागिरी किसी भी चोटी के ऊपर चला गया और वहाँ पर स्काई कंडीशन परफेक्ट हो, तो जीपीएस जो ना परफेक्ट काम करेगा और उसमें जो ना 1-2 मीटर की जो ना एक्यूरेसी के ऊपर जो ना बताएगा कि जो ना लोकेशन क्या है। परंतु ऐसी एक्यूरेसी होती नहीं है क्योंकि फील्ड में एक्यूरेसी होगी, तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो ना 30 मीटर की हो सकती है, लगभग 30 मीटर की होती है। अगर कोई कंडीशन जो ना कुछ खराब रहा तो एक्यूरेसी हो सकता है 100 मीटर 150 मीटर की होती है। इसीलिए हम सभी यूजर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप उसके साथ जीपीएस के साथ जो है ये भी बताएं कि लगभग उसका जो ना पता क्या है, फलाना दुकान के सामने है, फलाना रोड के पीछे है, कुछ और बताएं, तो हमारी टीम जो होगी उसका समय नहीं बर्बाद होगा, वो तुरंत जाकर के वो जो ना जीपीएस लोकेशन है उनको जहां तक पहुंचा है उससे आगे का उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा या कहां पर पोस्टर लगे हैं, कहां पर वायलेशन हो रहा है, उसको आप समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जी, तो राजीव जी, इसके अलावा जैसे कि शिकायतकर्ता को और किस तरह की इसमें सुविधाएं मिलती हैं अगर वो सीविजिल का इस्तेमाल करता है तो? शिकायतकर्ता को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके ऊपर जो ना जल्दी जो ना कार्रवाई होगी। अगर उसने जो ना ज़्यादा शिकायत की और उसकी जो ना सही पाई गई तो उसको जो ना कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हम देते हैं, हम इनकरेज करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना नहीं करते या उसकी परवाह नहीं करते या जो लोग भी एक्सपेंडिचर को बढ़ा चढ़ा करके करते हैं, उसकी जो ना सीमा का उल्लंघन करते हैं, उनके मन में एक डर सा पैदा हो, एक जो ना फियर फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि ये बात नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले लोग देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, एंड ये भी नहीं कि सिर्फ जो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 10 ऑब्जर्वर आए हैं तो वही देख रहे हैं। यहाँ तो ऑब्जर्वेशन जो है ना 1 लाख लोगों से हो सकती है, जिसके भी पास स्मार्टफोन है वो भी कर सकता है। जी, तो इसका मेन पर्पस ये है कि उन लोगों के मन में जो ना एक जो ना भय का वातावरण हो, ताकि जो वो लोग भी कानून का पालन करें और अपनी लिमिट पर रह करके काम करें। जी, इसके अलावा सर, जैसा कि अभी हमने अभी पहले भी बात की है कि जो लोग कुछ इस तरह से रहता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान भी इसमें बीच में रहेगा? जो लोग गलत तरह से करते हैं उनकी जो भी जो ना कानूनी कार्रवाई जो है ना वो जो ना की जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो ना एक्सपेंडिचर जो है ना उसने कर दिया, उसको दिखाया नहीं, तो साइडो रजिस्टर होता है, उसमें एक्सपेंडिचर दर्ज कर दिया जाएगा, मामला जो ना कोर्ट में भी कई केसेज में जा सकता है। कोई ऐसी चीज है कि जिसमें जो ना कानून में सजा का प्रावधान है, तो उसमें कानूनन कार्रवाई होगी। कि जैसे कोई किसी को धमका रहा है, ठीक है, या चुनाव में खड़े नहीं हो, या तुम वोट न डालो, या इसके फेवर में डालो, उसके फेवर में नहीं डालो, या वोट डालने जाओ ही नहीं, इस तरह की चीज है, उसके ऊपर जो जिस चीज में जिस तरह का एक्शन हो सकता है हो सकता है। तो हमने क्या किया है कि एक प्लेटफॉर्म पर सिटीजन को ला करके खड़ा कर दिया है कि आप जो है अपनी शिकायत जो है एविडेंस के साथ जो ना दे सकते हैं और उसके ऊपर जो ना बहुत जल्द हम कार्रवाई करेंगे। जी, सी विजिल की अगर हम बात करें राजीव जी, तो ये अस्तित्व में कब आया, यानी अभी इलेक्शन से पहले अभी इसको बनाया गया है या इससे पहले भी ये? नहीं, सी विजिल हरियाणा में पहली बार जो ना यूज हो रहा है, इससे पहले नहीं यूज हुआ था और जो ना पूरे देश में भी अभी
पांच राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो ना इसकी जो ना बीटा वर्सन की जो ना टेस्टिंग चली थी, टेस्टिंग के बाद जो ना फर्स्ट टाइम जो ना ये लॉन्च हो रहा है पूरे देश में लोकसभा चुनाव में। जी, तो अगर इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें सीविजिल के, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट जो ना बहुत ज़्यादा, देखिए पहले क्या होता था कि एविडेंस होता ही नहीं था, जो भी मामला कोर्ट में जाता था वो छूट जाता था। इसमें सारा का सारा सीक्वेंस के साथ एविडेंस है कि लाइव फोटोग्राफ है, ये झूठ वो बोल नहीं सकता कि उसने जो है अपना कुछ पुराना वीडियो कर दिया या पुराना जो फोटो भेज दिया। देन जीपीएस कोऑर्डिनेट है कि बाकायदा जो ना इस जगह से शिकायत की गई, शिकायत जो है उस कंट्रोल रूम में आया, कंट्रोल रूम से फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को गया, उसका भी जीपीएस है, उसका भी टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, वो करते ही उसकी मूवमेंट कैसे के कैसे हुए सारा का सारा रिकॉर्ड कोर्ट में जा सकता है। फिर वो तुरंत जाकर के पहुंचता है, तुरंत जाने से एविडेंस मिलता है। अगर कहीं दारू बट रही थी आप 24 घंटे बाद पहुंचे तो वहां क्या एविडेंस मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पोस्टर लगे हुए आप 24 घंटे बाद पहुंचे, 48 घंटे बाद पहुंचे तो पोस्टर उखड़ जाएगा, कुछ और एविडेंस चली जाती है। वो तुरंत पहुंचता है, उसके बाद वो अपना फोटो खींच करके अपलोड करता है, ये भी एविडेंस है, उसको जो कार्रवाई होती है। तो ये शुरू के जो 30-35 मिनट की जो चीजें होती है ये कोर्ट में एविडेंस में सबसे ज्यादा काम आती है। जी। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है कि पूरा का पूरा एक जो ना एविडेंस जो ना वो तैयार हो रहा है। नंबर टू की कार्रवाई में पहले बहुत डिले हो जाता था, इस पर जो बहुत फास्ट कार्रवाई हो रही है, तो उसका जो ना एक जो ना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले आप बार बार सुनते रहते हैं ना कि भाई जो ना कोई भी चीज में अगर फैसला करने में डिले कर दो, जस्टिस जो है डिले कर दो, तो उसका मतलब जो ना कुछ होता नहीं, लोग उसकी परवाह नहीं करते। डर तो तभी बनता है ना जो कार्रवाई जो ना त्वरित हो, तुरंत हो, तो ये फैक्टर है। तीसरी चीज अब मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि इतनी ज्यादा कंप्लेन थी कौन किसके पास गई, कौन क्या कर रहा है उसका जहाँ। चूंकि कंप्यूटराइज प्लेटफॉर्म है तो इसको जो ना हमारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर आएंगे जो दूसरे देश प्रदेशों से आएंगे वो भी जाकर के इसको मॉनिटर कर पाएंगे। और जो है ये भी फायदा हुआ है कि अब जाकर के जो ना वो लोग जो ना डरने लगे हैं। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट होता है कि कहने का मतलब कि जो ना हमारी फोर्स में जो ना मालिक है हमारी टीम में जो है 400 लोग 500 लोग जो ना पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, परंतु चूंकि ये एप्लीकेशन जो ना हमने जो ना बहुत सारे लोगों को दे दिया तो लाखों लोग जो उनकी फौज भी है, अब हमारी आंखें कितनी देख सकती है, पर इनकी आंखें जो ना हमसे बहुत ज्यादा देख सकती है, उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकती है। जी। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो है अपना सी चेंज, एक बहुत बड़ा जो ना चेंज लेकर के आएगा सी विजिल। और हम सभी से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ना आप इसको यूज करें, ताकि जो है ना आप जो ना चुनाव को स्वच्छ बनाने में, पारदर्शी बनाने में और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में आप मदद करें। जी, बहुत अच्छे राजीव जी, आप यहाँ पर आए और आपने सी विजिल एप्लीकेशन से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारी जितनी भी हमारी जनता है उससे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। जैसे राजीव जी ने अभी कहा कि इलेक्शन के बाद कई तरह की फिर बातें सामने आती हैं कि यहाँ पर ये करप्शन था, वहाँ पर वो था, तो इस तरह की अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे और इसके माध्यम से एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव में अगर मदद करेंगे तो सही सरकार चुनने में आप बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।